वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का टॉपिक है। वाइब्रेशन का मतलब कोई चीज़ वाइब्रेट होगी, मैग्नेटोमीटर का मतलब मैग्नेट है, तो मैग्नेट एक मीटर जिसमें मैग्नेट है वो वाइब्रेट होगी, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वो कुछ नहीं है। अब वाइब्रेट भी कैसे होगी, आप ये ना सोचें कि मशीन लगेगी वाइब्रेशन होगी, कुछ ना होगा। एक शीशे का बना हुआ एक डिब्बा ले लिया ताकि हवा इसमें अफेक्ट ना कर पाए, धागा लिया, मैग्नेट को टांग दिया, मैग्नेट कहाँ पर आके रुक गई, जहाँ अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड है वहाँ रुक गई, रेस्ट पे पड़ी आराम कर रही है। तुम गए, तुमने इसको हिला दिया हल्का सा, जैसे हिलाया ये वापस आएगी एच की तरफ, लेकिन एच की तरफ वापस आते आते मोमेंटम गेन कर लेगी, थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, ये वापस आएगी एच की तरफ, ये थोड़ा सा फिर आगे निकल जाएगी। तो याद है इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये ऐसे मूव करेगी, ये देखो एंगुलर SHM, उसमें भी डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल किस में मूव करता था, एंगुलर SHM, इसमें मैग्नेट मूव करेगी ना एंगुलर SHM। तो होगा क्या, क्योंकि हमें पता है कि जब आप किसी भी मैग्नेट को लेते हैं उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है कैपिटल M, तो कैपिटल M कितना टॉर्क जनरेट करेगा, MB sin थीटा, यहाँ पर कौन घुमा रहा है इसे, H अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड, तो MH sin थीटा इसमें टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, आपने इसको थीटा घुमाया, मैग्नेट रेस्ट कर रही, आपने थीटा घुमा दिया, फिर वापस आएगी, वापस आने का टॉर्क क्या होगा, MH sin थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फील्ड के अंदर ये घूम रही है, और माइनस साइन फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। और टॉर्क रोटेशनल मोशन में होता क्या था, I times alpha is equal to I alpha, एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा, तो I alpha is equal to minus MH theta, तो यहाँ से I नीचे आ गया तो अल्फा की वैल्यू आ गई, तो ये एंगुलर SHM प्रूव हो गया। आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं α is equal to minus ω² into θ, कंपेयर किया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, √MH/I, और ओमेगा होता क्या है, 2π/T is equal to √MH/π, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π √I/m × H, क्लियर है यहाँ तक, तो ये टाइम पीरियड की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो आपने फॉर्मूला बुकलेट में बस ये नोट करना है, आपने कोई प्रूफ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला नोट कर लें। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, और आज क्लास के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस भी करेंगे, तो इसे नोट कर लें, T is equal to 2π √I/mH, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब इसको, इसका यूज़ क्या है, यूज़ और आई फॉर लिख लेना, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेना साइड पे, क्योंकि 6 महीने बाद भूल ही जाओगे आई क्या, सोचोगे कोई करंट तो नहीं है इसमें, तो आई का मतलब यहाँ पर मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कैपिटल एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और एच का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ अर्थ, राइट। काम देखो कैसे करेगी, दो काम करेगी, क्या काम करेगी, पहला काम करेगी, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड को कंपेयर करेगा। आप ये कहते हो सर एक बात बताओ यहाँ पर H की वैल्यू क्या है, मैंने कहा H1, कह घर चलते हैं आपके वहाँ H चेंज हो जाएगा, मैं हाँ चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा H2, तो कहते कंपेयर करके बताओ H1 H2, तो ठीक है मैं मीटर लेके जाऊँगा, कुछ यहाँ काम करूँगा, कुछ अपने घर काम करूँगा, दोनों में H की वैल्यू निकाल लूँगा, दोनों को कंपेयर करके आंसर निकाल दूंगा। तो ये दो प्लेसेस पे H की वैल्यू को कंपेयर करेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये दूसरा काम क्या करेगी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट, आप मेरे को दो मैग्नेट्स दोगे, एक का डायपोल मोमेंट है M1, एक का डायपोल मोमेंट है M2, तो आप मुझे ये कहोगे रेशियो निकाल लो M1 M2 का, तो रेशियो निकल जाएगा M1 M2 का टन। तो कैसे करेगा ये काम, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले पे सबसे पहले रूल नंबर 1, टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट, कैपिटल M का कंपैरिजन करेंगे कैसे, व्हेन बार मैग्नेट आर ऑफ इक्वल साइज, अगर बार मैग्नेट इक्वल साइज का है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दो बार मैग्नेट इक्वल साइज के हैं, तो उन दो बार मैग्नेट में से एक बार मैग्नेट लें M1, जिसका मैग्नेट डायपोल मोमेंट M1 है, और हम कोई प्लेस तो चेंज कर नहीं रहे एक्सपेरिमेंट का, तो H की वैल्यू विल रिमेन सेम, एक जगह पे कर रहे हैं तो H तो सेम ही रहेगा। तो पहले फर्स्ट मैग्नेट को मीटर में रखेंगे, उसका टाइम पीरियड T1 निकालेंगे, और फिर सेकेंड मैग्नेट को रखेंगे, I तो सेम ही रहेगा क्योंकि मोमेंट इनर्शिया सेम है, H भी सेम है, M2 चेंज हो गया, T2 चेंज हो गया, इन्हें डिवाइड करेंगे, ये रेशियो आ गई, स्क्वेयरिंग करेंगे, आंसर आ गया। कई लोग इसका आंसर याद करते हैं M1 N2 T2 से बैठे, उस वाला याद नहीं करना भाई, कुछ ना करना, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, सफिशिएंट है ये फॉर्मूला, एक बार M1 एक बार M2 T1 T2 डिवाइड करो आंसर, तो क्लियर है कैसे M1 M2 की रेशियो निकलेगी। ये तब है अगर बार मैग्नेट सेम साइज के हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों का एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम। पर अगर सेम साइज की नहीं है, अनइक्वल साइज है, तो एक छोटी एक बड़ी, तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा I2। तो इसको ऐसे करना है, दोनों मैग्नेट्स इकट्ठी लो, एक का नॉर्थ नॉर्थ पे, साउथ साउथ पे रखो, पैक करके T1 निकाल लो,
और फिर दोनों मैग्नेट्स को उल्टा रखो, यानी कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ साउथ। तो फिर क्या करोगे इसमें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम वन प्लस एम टू, और मोमेंट इनर्शिया तो वैसे ही स्केलर है आई वन प्लस आई टू। इसमें आई की वैल्यू तो आई वन प्लस आई टू रहेगी, आई तो स्केलर ऐड हो जाएगा लेकिन कैपिटल एम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि पोल्स ऑपोजिट हो गए। तो एक बार फर्स्ट मैग्नेट को रखेंगे तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टू पाई आई अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू एच, और एक बार एम वन माइनस एम टू इंटू एच। टी वन टी टू को डिवाइड किया, स्क्वेयरिंग किया, वैसे तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया पर मेरे को लगता है इसकी जगह ऐसे कर लो, एम वन प्लस एम टू को लेफ्ट साइड को एम वन से डिवाइड कर लो, और ऐसी एम वन माइनस एम टू को एम वन से डिवाइड कर लो। तो ये क्या जाएगा, टी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी वन स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन, वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन इज इक्वल टू क्या, टी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी वन स्क्वायर। सॉल्व करके एम टू एम वन निकाल लेना, तो इसको याद करने का मतलब ही नहीं है। वैसे कई लोग इस फॉर्मूला याद करते हैं, याद करना याद कर लो, नहीं करना तो ये याद कर लो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्क्वेयरिंग करके आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, करना है लिखना है लिख लो नोटबुक में, नहीं लिखना तो वहाँ से कर लेना, क्लियर है। तो ये तो बात है कैपिटल एम की रेशियो की। एक और काम करता है ये, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट को कंपेयर करता है, दो जगहों पर एच को कंपेयर करेगा। तो एक मैग्नेट ले आओ, एक ही लेके आना, एक मैग्नेट ले आओ जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम है, पहले उसको मीटर में रखो तो टाइम पीरियड टी है, फिर लोकेशन चेंज कर दो, अर्थ की लोकेशन चेंज करोगे एच की जगह एच डैश हो गया, ना आई चेंज हुआ ना एम चेंज हुआ, आपने मैग्नेट तो चेंज किया नहीं, तो टाइम पीरियड क्या हो गया टी डैश, दोनों को डिवाइड किया तो रेशियो आ गई, स्क्वेयरिंग किया तो आंसर आ गया, तो एच की रेशियो भी आ जाएगी। तो एक ही फॉर्मूला जो सारे काम कर रहा है, तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको आज हम डिस्कस भी करेंगे।